नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑब्व्यू। मैट्रिक्स किसे कहते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। परिभाषा इसकी क्या है। mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या कोटि का ऑब्व्यू कहते हैं या mn ऑब्व्यू कहते हैं। ये जो हमारी होगी, ये हमारी क्या है, ये हमारी पंक्ति होगी। ऐसे ऐसे जो बने हैं ये हमारी क्या होगी, पंक्ति होगी। ये हमारी पंक्ति होंगे, ये हमारे क्या होंगे, स्तंभ होंगे। ये हमारे स्तंभ होंगे और ये सभी हमारे स्तंभ होंगे और ये हमारे पंक्ति होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे 3 4 5 माइनस 2 5 3 4 2 3, ये हमारा एक ऑब्व्यू दिया गया है। एक हमारा ये ऑब्व्यू दिया गया है, इसकी कोट क्या होगी, देखिए ये हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या हमारी 1 2 और 3, तीन पंक्ति हैं हमारे। स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो हमारा एक कोट किस कितना होगा, इसका 3 गुणे 3 इसका कोट ही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लेते हैं ऑब्व्यू का कोट कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। ऑब्व्यू की कोट हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऑब्व्यू की कोट ऑब्व्यू की कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। ऑब्व्यू की कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं, यदि ऑब्व्यू में m पंक्तियां हों, यदि ऑब्व्यू में, यदि ऑब्व्यू में m, जब ऑब्व्यू में m पंक्तियां हों, यदि ऑब्व्यू में m पंक्तियां हो और स्तंभों तथा स्तंभ n हो, तथा स्तंभ n हो, तथा स्तंभ n हो तो उसे m गुणे n क्रम का ऑब्व्यू कहते हैं। तो उसे m गुणे n क्रम का ऑब्व्यू कहते हैं। चलिए हम देखते हैं ऑब्व्यू की हमारी पोजीशन क्या होती है। a11 a12 डॉट 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 हमारा क्या निकल कर आता है, a m1 हमारा हो जाएगा, डॉट 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 a m1 a m2 a m n हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए ये किस कोट का ऑब्व्यू है, देखिए ये हमारी पंक्ति है, पंक्ति में a से लेकर n तक लिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। a स्तंभ है हमारा, m तक लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, m गुणे n इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको लेते हैं। चलिए हमारा जैसा पहला क्वेश्चन दिया गया है,
चलिए हमारा प्रश्न दिया गया है आव्यू आव्यू दिया गया है 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5। चलिए इसका हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसका हमें ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि नंबर एक, नंबर दूसरा इसमें ज्ञात करना है अवयवों की संख्या, नंबर तीसरा ज्ञात करना है हमें आव्यूह इनको हमें ज्ञात करना है। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक क्या हो जाएगा हमारा 3 × 4, इसकी हमारी क्या हो जाएगी कोटि हो जाएगी 3 × 4, क्योंकि यहां हमारी पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ है, तो ये हमारा 3 × 4 इसकी क्या हो जाएगी कोटि। और अवयवों की संख्या क्या होती है m × n होती है, तो m का मान हमारा 3 है, 3 × 4 कर देंगे क्योंकि ये हमारा कोट कितना आया है 3 × 4, तो 3 × 4 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12, अवयवों की संख्या हमारी 12 है। आप भी इसका मान हम कैसे निकाल लेंगे, इसकी तुलना हम इससे करेंगे 11 12 13 14 और हमारा 21 21 22 23 33 34 34, इसकी तुलना इससे करेंगे क्योंकि अभी अभी हमने बताया था इस प्रकार का सूत्र बताया था, तो इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमारा क्या 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 मान निकालना है, ये 13, तो ये 13 हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो ये तीसरे नंबर पर हमारा ये 13 का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और हमारा क्या निकालना 21 21 के पहला नंबर पे क्या हो जाएगा 21 का मान हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और हमारा क्या ज्ञात करना है ये 33 हम देखेंगे यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और हमारा क्या ज्ञात करना है ये 24 देखेंगे तो हमारा कहाँ है यहाँ है इसकी, तो ये 12 हो जाएगा, और हमें क्या ज्ञात करना है ये 23, तो ये 23 हमारा क्या है यहाँ है, तो तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा 5/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।